हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप काइन मास्टर से कैसे एक प्रोफेशनल वीडियो बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखते रहिए। उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं काइन मास्टर में और मैं आपको वहाँ पर बता देता हूँ कि आप कैसे बहुत ही बढ़िया प्रोफेशनल वीडियो एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने काइन मास्टर में। सबसे पहले आपको यहाँ से प्लस के साइन पर क्लिक करना है और प्रोजेक्ट असिस्टेंट पर क्लिक करना है। और आप यहाँ पर प्रोजेक्ट का कोई भी नाम दे सकते हैं। अगर नहीं देना चाहें तो आप डायरेक्टली यहाँ से ओके कर दें। ओके करने के बाद आप यहाँ से कोई भी एक वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं। जो वीडियो आप एडिट करना चाहते हैं वो वीडियो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे कि मैं यहाँ से ये वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अगर आप कोई अलग से ऑडियो लगाना चाहते हैं, कोई अलग से आवाज़ लगाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कॉमेडी वीडियो में आप देखते हैं दोस्तों, बहुत सारी आवाज़ें अलग से आती हैं, यानी कि एक्सटर्नल आवाज़ आती है, तो आप उसको यहाँ से लगा सकते हैं। फिर आपको यहाँ से नेक्स्ट करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो वीडियो आपने डाला होगा वो लेयर में आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो में कहीं बीच में कट लगाना चाहते हैं, जैसे कोई बात आपने गलत बोल दी है, फिर गलत कोई शॉट आ गया है, उसको कट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको वीडियो पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जहाँ भी ये गलत आया है वहाँ पे आपको ले जाना होगा इस डाउट को, और यहाँ पर कैंची के आइकन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपने थर्ड नंबर पर लिख के आ रहा है स्प्राइट एट प्ले हेड, इस पर क्लिक करना है। और दोस्तों, जहाँ तक गलत हुआ है वहाँ तक आप इसको रेड डॉट को ले जाइए। ले जाने के बाद आपने फिर से क्लिक करना है कैची के आइकन पर। अब आपने फिर से थर्ड नंबर पर क्लिक करना है। अब जो बीच का शॉट आया या फिर मान लो गलत आया, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने ये डिलीट का यहाँ पर बॉक्स बन के आ रहा है, आइकन बन के आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। तो वो जो वीडियो आपकी गलत आई है वो वहाँ पर कट हो जाएगी। दोस्तों, अगर साथ ही आप इस पर कुछ लिखना चाहते हैं वीडियो में, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत चैनलों पर लिख के आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब, ऐसा कुछ लिखना चाहते हैं, तो आपने लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने टेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहते हैं उसको यहाँ पर लिख दीजिए। लिखने के बाद आपने ओके करना है और आप इसको जहाँ पर भी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। और साथ ही साथ आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कलर का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि ये फिर अभी येलो हो गया है। अब साथ ही साथ आप इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी अगर आप इसे प्ले करेंगे तो ये बिना कस्टमाइज़ का है, डायरेक्टली यहाँ पे आएगा। तो अगर आप इसे कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले इन एनिमेशन पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से आप कोई भी कस्टम ले सकते हैं। किस तरह से आप इसको दिखाना चाहते हैं, किस साइड से निकाले, ये मतलब कुछ भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आप यहाँ से इसको ओके कर दीजिए। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो में कोई लोगो लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने लेयर में जाना होगा और मीडिया पर क्लिक करना होगा। दोस्तों, यहाँ से आप अपना कोई फ़ोटो भी ले सकते हैं जिसमें आप वीडियो में लगाना चाहते हैं, या फिर कोई लोगो जो चैनल का लोगो होता है उसको आप लगा सकते हैं। जैसा कि दोस्तों, मैं यहाँ से अपने चैनल का लोगो ले लेता हूँ। तो उसके बाद आपने यहाँ से इसको जिस साइड में भी लगाना है पहले, सबसे पहले छोटा कर लेना होगा। उसके बाद आप जिस भी साइड में लगाना चाहते हैं वहाँ पे लगा दीजिए इसको। दोस्तों, जो लोगों की लेयर नीचे बन के आई है उसको आप पूरे वीडियो में कर दीजिए, तो ये पूरी वीडियो पे आपको नज़र आएगा। इसी के साथ साथ अगर आप दोस्तों जो आपने टेक्स्ट डाला यानी जो लिखा है, अगर आप उसको जिस भी वीडियो में जितनी वीडियो में चलाना चाहते हैं उतनी कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको पूरी वीडियो में चलाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इसको पकड़ कर पूरी वीडियो में कर दूँगा। और दोस्तों, उसके साथ साथ अगर आप वीडियो में थोड़ा क्लियरिटी लाना चाहते हैं, यानी कि थोड़ा प्रोफेशनल टाइप की वीडियो करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वीडियो पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपने कलर फिल्टर पर क्लिक करना होगा और आप यहां से बहुत ही बढ़िया बढ़िया फ़िल्टर ले सकते हैं। जो फ़िल्टर भी आप यूज़ करना चाहें, जिस भी टाइप का, वो फ़िल्टर यहाँ से आप ले सकते हैं। और दोस्तों, उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे कलर चेंज करना चाहते हैं जैसे कि, तो यहाँ से आप कलर एडजस्टमेंट में जा सकते हैं और कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हैं तो इस पर ओके करके आप ब्राइटनेस अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। और यहाँ से अगर आप कंट्रास्ट बढ़ाना चाहते हैं तो कंट्रास्ट भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से आप अपना कलर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप वीडियो में कोई एक्सटर्नल वॉइस लगाना चाहते हैं, यानी कि अलग से कोई आवाज़ लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने ऑडियो पर जाना होगा
और आप कोई भी एक ऑडियो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, या कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना चाहते हैं तो आप बैकग्राउंड म्यूज़िक भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लस पे आइकन में क्लिक करके अब यहाँ से कर दीजिए तो ये बैकग्राउंड म्यूज़िक यहाँ पे लग जाएगा। तो दोस्तों आप सुन सकते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूज़िक कैसा लगा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप बैकग्राउंड म्यूज़िक भी ले सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप किसी वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जो मैं कल या परसों में अपलोड कर दूंगा। तो यार अगर आप उसके बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, उसे वीडियो में डाल चुका हूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।